अस्सलामु अलैकुम सामीन। 14 रबीउ सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 17 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है, क्या यहया सिनवार की मौत हो गई? दरअसल बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर मशहूर दुआ और आयत शरीफा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखकर ये जुमला डाला है कि यहया सिनवार की मौत हो गई। अभी तक 9:15 बज रहे हैं और किसी भी मोतमद एजेंसी पर साफ साफ ये खबर नहीं है कि यहया सिनवार की मौत हो गई। इसराइल के जो अखबार हैं इब्रानी ज़ुबान में अहरिनूत और बदेऊत, वहाँ के ऑनलाइन जो इसका पैराग्राफ है उसका माहरीन से तर्जमा करा लिया गया है, यानी गूगल में डाल के तर्जुमा नहीं किया है, माहरीन से तर्जुमा कराया। काफ़ी देर से मैं लग रहा हूँ इसमें, उसमें इसने लिखा है कि जहाँ जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया लगता ऐसा है कि वहाँ यहया सिनवार थे और डीएनए की टेस्ट की जा रही है, डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, यानी वजूद नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला है, चेहरा नहीं मिला है और जो कुछ जिस्म का हिस्सा बाकी मिला है तो हड्डियों की दूसरे ढांचे की डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, टेस्ट के बाद कोई फैसला होगा। दूसरी बात, हरिनूत वजूद में ये कही गई है कि जहाँ ये शुबा जाहिर किया गया वहाँ से उन मौकवियों की कोई लाश या मौकवी नहीं मिले जिनको हमास के लोगों ने अगवा कर रखा है। जब वो नहीं मिले तो ये भी शुबा है कि गालिबन ये लाश मय्यित यहया सिनवार की ना हो। बहरहाल अभी तक बात शुबे में है, शक के दायरे में है और जैसे मैंने बताया 9:15 बज रहे हैं, अभी यकीनी बात नहीं हुई है। इसराइल के दोनों अखबार अहरिनूत और बदेऊत जो इब्रानी ज़ुबान के हैं उनका ऑनलाइन एडिशन में ये कहा गया है कि डीएनए का टेस्ट किया जा रहा है, अभी ऐसा इम्कान है।